हाँ जी, आज करते हैं हम सबसे पहले क्या हो गया इसमें, गिर गया था। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। इससे पहले हम गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा एक बार याद कर लें। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस गिवन बाय सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टोटल 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। ये गॉस थ्योरम है कहाँ की? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये। लेकिन ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हम मैग्नेटिज्म के लिए इसको गॉस थ्योरम को अप्लाई करें तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखा था फाई ई, मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखेंगे फाई बी। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन बाय सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू, ये एप्सिलॉन नॉट था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये चार्ज था। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का कंपेरेबल कौन होता है मैग्नेटिक फील्ड में? मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाना चाहिए? म्यू नॉट, कुछ भी नहीं आएगा, जीरो है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस गिवन बाय सरफेस सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज जीरो। उसका रीजन क्या है समझ लीजिए, इसका रीजन क्या है? दोनों का ही एक अपना अपना रीजन है। एक ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बाहर निकल रही हैं। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है? कहीं से निकल नहीं, कहीं जा करके यहाँ यहाँ कहीं निगेटिव में जाके खत्म हो रही होंगी। तो आपने एक क्लोज सरफेस आपने एक ड्रॉ कर ली, आड़ी तिरछी उल्टी सीधी कैसे भी, ये क्लोज सरफेस बना ली। तो ध्यान से देखिए, सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल कर जा रही हैं। इस सरफेस में कहीं से आ नहीं रही, हो सकता आ भी रही हो सकता आ भी रही हो, अगर आ भी रही हूँ मतलब दो, तो डिपेंड करता है कि सरफेस के अंदर आपका चार्ज कैसा इनक्लोज्ड है। जैसे मैं ये बनाऊँ ऐसे, और मैं दो चार्ज यहाँ लगा दूँ, एक चार्ज यहाँ मैंने प्लस रख दिया, एक चार्ज मैंने यहाँ माइनस रख दिया, तो माइनस से चलेगी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्लस में गई ये ऐसे, ये ऐसे और ये बाहर की तरफ पॉजिटिव और ये अंदर की तरफ। तो अब यहाँ देखिए आप, इस गॉसियन सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलकर बाहर जा रही हैं, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आ भी रही हैं। डिपेंड करता है कि चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हो सकता है चार्ज गॉसियन सरफेस से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के बाहर जा रही हो, और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से अंदर आ रही हो अगर यहाँ निगेटिव चार्ज होगा। यह हो सकता है निकल के भी जा रही हो, अंदर भी आ रही हो, दोनों एक साथ हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल के जा रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आ रही है। अगर बाय द वे इन दोनों चार्जेस का सम एल्जेब्रिक सम जीरो हो जाए, तो टोटल चार्ज जीरो हो जाए तो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, निगेटिव चार्ज कम हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल कर जाएंगी लाइन्स वो ज्यादा होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो अंदर आ रही हैं वो कम होंगी। लेकिन मैग्नेट में इसका बिल्कुल अलग ही है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक की एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है जो इसे अलग करती है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज से। क्या? कि हर मैग्नेट का अपना एक नॉर्थ एक साउथ पोल होता है। मैग्नेट हमेशा डाइपोल में ही एग्जिस्ट करता है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल अकेला, साउथ पोल अकेला संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब इससे क्या फर्क पड़ा? देखो मैं ग्रीन लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, नॉर्थ पोल से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और क्या हुआ? नॉर्थ पोल से निकली, घूमी,
साउथ पोल में एंटर कर गई, साउथ पोल से घूमते फिर वापस नॉर्थ पोल में आ गई, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इधर उधर सारी दुनिया घूम फिर के कहीं ना कहीं से ये वापस इन्हें अपने घर इन्हें आना ही आना है, हर हालत में आना है। ये रही, यहां से निकली और घूम फिर करके फिर यहीं वापस आया, यानी क्लोज्ड लूप इन्हें बनाना है, क्लोज्ड लूप बनाना है इन्हें। और यहां से हम कुछ ऐसे दिखा देते हैं अक्सर, तो वो कौन सी होती हैं, जो ये वाली वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो दुनिया भर में घूम फिर कर कहीं से दूर से यहाँ से आ रही हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी दुनिया घूम फिर कर यहाँ आ जाएगी, लेकिन आएगी तो जरूर वापस अपनी जगह। अब देखना ध्यान से, मैं रेड पेन से गॉसियन थ्योरम, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। कहाँ ड्रॉ करूँ, देखो मैं तीन गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो एक गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ ड्रॉ करी, ऐसे आड़ी तिरछी सी अजीब सी, और जानबूझ करके नॉर्थ साउथ पोल अंदर ले लिए। ध्यान से देखना आप, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें निकल रही हैं उतनी ही एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर, रेड रेड वाली जो है सरफेस है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस से निकल के जा रही है उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के अंदर एंटर कर रही है। एक भी लाइन का कम ज्यादा नहीं हो सकता। तो निकलने वाले फ्लक्स को हम लिखते हैं पॉजिटिव, ये वाला जो निकलने वाला फ्लक्स है पॉजिटिव, जो अंदर आने वाली लाइन्स होती है वो निगेटिव फ्लक्स मानते हैं। तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स है लिंक्ड उतना ही निगेटिव फ्लक्स है, जितनी फ्लक्स लाइन्स फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही उतनी फील्ड लाइन्स एंटर हो रही। तो नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, नेट फ्लक्स अगर हम देखें, टोटल फ्लक्स अगर मैं फाइव बी टोटल ले तो कितना, जीरो। इसके अलावा कहीं पर भी आप कोई और गॉसियन सरफेस देखिए, एक सरफेस मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां जिसके अंदर केवल साउथ पोल लिया है, केवल साउथ पोल लिया है, कोई बात नहीं। देखो ये रही, यहां से इस गॉसियन सरफेस में से बाहर निकल रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी निकल रही है उतनी कहीं ना कहीं कहीं दूसरी जगह से क्या हो रही होंगी, ये घूम के अंदर एंटर कर गई, ये वाली घूम के यहाँ अंदर एंटर कर गई, ये वाली घूमकर इस जगह से एंटर कर गई, ये वाली घूमकर यहाँ से एंटर कर गई, और ये सारी दुनिया में से घूम चल फिर के आई और फिर यहाँ से एंटर कर गई। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही है गॉसियन सरफेस के बाहर उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गॉसियन सरफेस के अंदर एंटर भी कर रही। अब एक गॉसियन सरफेस यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से, यहाँ ड्रॉ कर लिया मैंने गॉसियन सरफेस, ये रहा, ना मैग्नेटिक डाइपोल अंदर है, ना एक पोल अंदर है गॉसियन सरफेस के, ना दोनों पोल अंदर है। तो भी देख लो ध्यान से, ये गॉसियन सरफेस के अंदर एंटर किया यहाँ से, दूसरी जगह से बाहर निकल गई, यहाँ से गॉसियन सरफेस के अंदर एंटर किया लाइन ने, बाहर निकल गई, यहाँ से एंटर किया और ये वाली यहाँ घूम फिर के ए यहाँ से अंदर से एंटर कर गई इस गॉसियन सरफेस पे, यहाँ से एंटर कर लिया, यहाँ से बाहर निकल गई, यहाँ से एंटर कर लिया, यहाँ से बाहर निकल गई, एंटर कर लिया, बाहर निकल गई। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर भी एग्जिट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स है पॉजिटिव एग्जैक्टली उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है कैसा, निगेटिव। तो नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस जीरो, बशर्ते क्लोज होनी चाहिए, क्लोज सरफेस ही होनी चाहिए। और ये तो पहले हम कहते हैं गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी पीछे हमने पढ़ी थी, गॉसियन सरफेस क्या है, एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, और अब क्योंकि मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं तो ये चीज आ सकती है, एक तो यही क्वेश्चन आपका बन सकता है मल्टीपल चॉइस में, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ गॉसियन सरफेस जीरो। दूसरा ये क्यों जीरो होता है, इस क्यों के दो आंसर है, इस क्यों के दो आंसर है, ये वाई जीरो है क्यों, इसके दो आंसर है, दोनों ही अपने आप में करेक्ट है। क्या, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, अकेला मोनोपोल, अकेला नॉर्थ पोल, अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। और इसी को दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बोलने लगू, इसी को दूसरे वर्ड में बोलू तो क्या हम कह सकते हैं, ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल, ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल, हमेशा डाइपोल में होता है, ये दोनों एक ही बात है। दूसरा इसका रीजन क्या है, दूसरा इसका रीजन बन सकता है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी ओपन कर्व। ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड इन नेगेटिव, टर्मिनेट इन नेगेटिव, खत्म,
निगेटिव में जाके खत्म, शुरू हो गई पॉजिटिव से, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई खत्म ही नहीं होती कहीं भी, ये कहीं खत्म नहीं, इसका कोई कहीं से स्टार्ट नहीं है और कहीं इसका एंड नहीं है, पूरा का पूरा एक लूप बना हुआ है। जब लूप बना है तो कहीं से बाहर निकलेगी और कहीं से एंटर करेगी भी जरूर, इसलिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ गॉसियन सरफेस एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। दोनों ही रीजन इसके अपने आप में सही है, या तो कह दीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर, या कह दीजिए कि मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट मोनोपोल नहीं होते इसीलिए तो ये क्लोज होती है, अगर मोनोपोल हुआ करते नॉर्थ साउथ पोल अलग अलग हुआ करते तो क्लोज ना होती कर भी। समझ आए इतनी बात?